Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Second part is, or choice is, where in the fallopian tube does fertilization occur in human? Fallopian tube mein fertilization kahan hoti hai? Describe the development of a fertilized ovum up to implantation. सबसे पहले तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला रीजन में. और प्रोसेस कैसे फॉलो करता है? जायगोट डिवाइड करता है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल टू 16 डॉटर सेल स्टेज फॉर्म करता है. मोरुला जो 8 टू 16 सेल स्टेज है, दैट इज मोरुला, वो डिवाइड करता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट. ये मोरुला मूव करता है इनटू द यूट्रस. ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में. दे आर अरेंज्ड. कैसे अरेंज होते हैं? आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रीन की एंडोमेट्रियम लाइनिंग से. जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनर मास ऑफ सेल्स, वो डिफरेंशिएट होंगे और फॉर्म करेंगे एम्ब्रियो. आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, उसके बाहर एंडोमेट्रियल लाइनिंग है और अंदर क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, डेवलपमेंट होगी. यूट्रीन सेल्स डिवाइड करेंगे रैपिडली एंड कवर करेंगे ब्लास्टोसिस्ट को. दिस इज इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट इज, हाउ इज पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटेड इन ह्यूमंस? पॉली मीन्स मेनी. बहुत सारे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं ताकि फर्टिलाइज कर सके फीमेल एग को और एग को, तो वो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हमेशा देखा गया है, अगर एक एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तो बाकी जितने भी स्पर्म्स हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते. ये कैसे होता है? स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम. जोना पेलुसिडा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? ओवम की. जैसे ही स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आता है, इट विल इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, ब्लॉक करेंगे एंट्री को ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, बाकी स्पर्म्स को नहीं आने देंगे. ऐसे ये प्रिवेंट करते हैं पॉलीस्पर्मी को. दिस वॉज द क्वेश्चन.